श्रीमद राजचंद्र जीना देह विलयनी भूमि राजकोटमा संवत 1957 नी चैत्र सुद नोमना दिवसे आ काव्य रचना थई। बराबर एमना देह विलयना 10 दिवस पहला मुमुक्षुओनी विनंती ने परिणामे आ काव्य रचायुं। जाने एमनो दिव्य अंतिम संदेश न होय। आ काव्यमा मोक्षपदनी प्राप्तिनो मार्ग एमने दर्शाव्यो छे। एने माटे जरूरी एवी जिनेश्वरनी भक्ति, सद्गुरुनी प्राप्ति अने जीवनी उत्तम मध्यम अने प्राथमिक पात्रतानी एमने जिकर करी छे। सतदेव, सतधर्म, सद्गुरु अने जीवनी पात्रता ए चारमांथी कोई पण एक तत्वनो अभाव होय तो मोक्षनी प्राप्ति थती नथी। मोहथी उत्पन्न थता विकल्पने लीधे आखो संसार रचाय छे। आवा मोहमय संसारमांथी मुक्त थवा माटे अंतर्मुख बनवू पड़े। मतार्थ दृष्टि जाय नहीं त्यां सुधी आत्मार्थ दृष्टि आवे नहीं। आवा अंतर्मुख योगनी प्राप्ति श्री सद्गुरु वड़े ज थाय छे। मध्याने जेम मानवीनो परछायो पोतामां समाई जाय छे ते रीते बधा ज विकल्पो शमी जाय छे अने स्वभावमां मन लीन थाय छे। इच्छे छे जे जोगी जन अनंत सुख स्वरूप मूल शुद्ध ते आत्म पद सयोगी जीन स्वरूप सयोगी जीन स्वरूप स्वभाव अगम्यते अवलंबन आधार जिन पद थी दर्शावियो तेह स्वरूप प्रकार तेह स्वरूप प्रकार जिन पद निज पद एकता भेद भाव नहीं काई लक्ष्य थवाने तेहनो कहा शास्त्र सुखदाई कहा शास्त्र सुखदाई प्रवचन दुर्गम्यता थाके अतिमतिमान अवलंबन श्री सद्गुरु सुगम अने सुख खान सुगम अने सुख खान चरणनी अतिशय भक्ति सहित मुनि जन संगति अति अति संयम योग घटित संयम योग घटित
विषय रहे रहे अंतर मुख योग प्राप्ति श्री सदगुरु वड़े जिन दर्शन अनुयोग जिन दर्शन अनुयोग प्रवचन समुद्र बिंदु मा उल्टी आवे पूर्व चौदनी लब्धिनु उदाहरण पणते उदाहरण पणते विकार सहित जे रह्या मती नायोग परिणामनी विषमता तेने योग आयोग तेने योग शयने सरलता सह आज्ञा सुविचार करुणा कोमलता दिगुण प्रथम भूमिका धार प्रथम भूमिका धार शब्दादिक विषय संयम साधन आग जगत इष्ट नहीं आत्म थी मध्य पात्र महाभाग्य मध्य पात्र महाभाग्य नहीं तृष्णा जीव्यातणी मरण योग नहीं क्षोभ महापात्र ते मार्गना परम योग जित लोभ परम योग जित समदेश मां छाया जाए समाई आवे तेम स्वभाव मां मन स्वरूप पण जाई उपजे कल्पथी समस्त संसार अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वा सुख धाम अनंत सुसंत चही सुख धाम अनंत सुसंत चही
दिन रात रहे तत् ध्यान मही, दिन रात रहे तत् ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद ते वर ते जयते।